सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। मैं टेक्नो गेमर्स बन गया। नाइस टेक्नो गेमर्स ओपी भाई। आप लोग जानते हो टेक्नो गेमर्स को, जिसने हीरो पर एनएसएमपी को कल पूरा बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने अगर वो स्ट्रीम देखी हो तो भाई लाइक कर दो। हाँ कर दो लाइक, अगर आपने वो स्ट्रीम देखी तो भाई कर दो लाइक। मैंने देखी थी, बहुत मज़ा आया था उस स्ट्रीम पर भाई। जब स्पीच चल रही थी जब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। चलो अब उस बात को छोड़ते हैं, हम हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बनाया था ये विलेजर का, ये क्या बोलते हैं, विलेजर के लिए घर। तो आज हम बनाने वाले हैं विलेजर ट्रेडिंग होल। हाँ मतलब ऐसे ऑटोमेटिक, जो कि मतलब रहेगा कि हमको डिस्काउंट भी मिलेंगे हम ज़ोंबी को हम, मतलब हाँ यस स्मार्टी पाई की टेक्निक क्या था, क्या नाम दिया था उन्होंने, ज़ोंबी टेक्निक ऐसा कुछ ही कहा था। तो हम विलेजर को सिंपली ज़ोंबी फाइट करके उनसे सस्ती ट्रेड्स ले लेंगे। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मतलब विलेजर्स को उसके अंदर सेटल कर दिया है, जो कि हमने बनाया था वो विलेजर के लिए घर, वहाँ पर मैंने उनको सेटल कर दिया है और उनको जॉब्स भी दे दिए और मैंने उनको थोड़ा बहुत ब्रीड भी करवा दिया है। तो भाई ये रेल ट्रैक देख रहे होंगे भाई, इसी रेल ट्रैक की वजह से मैं लेकर गया था उनको। तो चलो लेट्स गो, दिखाते थे। तो मैंने यहाँ पर ये बटन्स लगा दिए ताकि मैं अंदर जा पाऊँ भाई, विलेजर्स ना भाग पाएँ। तो ये हाँ, तो भाई ये देखो मतलब बहुत सारे विलेजर्स हो तो चुके हैं। मैंने दो को लाइब्रेरी बना दिया, कुछ को फ्लेचर बना दिया, कुछ एक को फार्मर बना दिया। तो भाई फ्लेचर का ये काम रहता है कि ये भाई ट्रेड ओपन हो जा हाँ चलो हो गया। ये ना स्टिक्स के वर्ष बदले हमको एमरल्ड देता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने कुछ को फार्मर्स बना दिया, कुछ कर दिया। और गाइस मैंने यहाँ पर ये रेल ट्रैक लगा दिए ताकि ये विलेजर्स यहाँ से भाग ना पाए, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर इधर से उधर भागते ही रहते हैं, तो ये निकल ना जाए यहाँ से, इस वजह से मैंने ये लगा दिए। तो चलो अभी ज़्यादा कुछ टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं अब मेरा जितना भी सामान इकट्ठा करना है मुझे कर लेता हूँ मैं जल्दी फटाफट से, उसके बाद डायरेक्ट मिलता हूँ आपको उसी जगह पर जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। सो गाइज मैं लेकर आ चुका हूँ सामान, और नीचे से कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं सारा जितना भी सामान मेरे को चाहिए वो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो गाइज अगर आपको भी बनाना है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैंने भी ऐसे दूसरे की वीडियो देखकर बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक एक ब्लॉक डिक करना है, एक ब्लॉक को छोड़ के, यानी कि आपको पूरे 6 ब्लॉक करने हैं, और आप और ज़्यादा लंबा भी कर सकते हो जितना आपको चाहिए। तो अभी मैं 6 ही कर लेता हूँ। तो आपको ऐसे करके 6 गड्ढे खोद लेना है एक ब्लॉक को छोड़कर। और भाई ये क्या हुआ यार, यार मेरे इधर एक गड्ढा को मतलब भरा था पूरा, तो अब वो हो गया। तो चलो कोई नहीं, हम डर्ट को रेल की जगह रिप्लेस कर लेते हैं एंड देन ऊपर चले जाते हैं। तो 1 2, तो बस हमको गड्ढा तो चाहिए था, तो ये हो चुके हैं लगभग। अब हमको क्या करना है इसके अरे हाँ नाइस, तो अब हमको ये गड्ढे तो खोद लिया। अब इसके ऊपर हमको कोई सा भी एक पर्टिकुलर जो भी चीज़ रखनी हो, आपको प्लैंक्स रखना हो, स्टोन ब्रिक रखनी हो, जो भी रखना हो रख देना, आपको ऐसे लगा देना। उसके बाद आपको लेना है लीवर, जितने भी आपने ये ब्लॉक्स लगाए इनके ऊपर आपको लीवर लगा देना है इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मेरा गलत लग गया, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा के हम वापस लगा देंगे। तो आपको ऐसा कर लेना है। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो आपका जो पहला, मैं शवल ले लेता हूँ पहले, देन आपको यहाँ से ये लीवर के दूसरे इस साइड वाली से 3 ब्लॉक्स नीचे करना है, दो साइड से, यानी कि एक साइड से हो गया 3 ब्लॉक्स, अब इस साइड से भी करना है। ऐसे आपको कर देना है ताकि मतलब हमारे जो भी चीज़ सिस्टम करना है हमको वो कर सके। तो अब आपको लेना है रेडस्टोन डस्ट और रेडस्टोन टॉर्च, जिससे मतलब हम जो पिस्टन रहेगा वो ऊपर नीचे हो पाएगा। तो आपको लीवर के जस्ट नीचे वाला जो ब्लॉक है उसको डिक कर देना है, तोड़ देना है। अरे भाई ये इधर, चलो इसको हटा देते हैं। एंड देन आपको लेना है रेडस्टोन टॉर्च, जिसको लगाना है इस वाले ब्लॉक के इधर साइड से, जैसे कि ये जस्ट लाइक डेट। अब आपको इधर रेडस्टोन डस्ट, अरे यार रेडस्टोन डस्ट को लगा देना है। ये इतना हो जाने के बाद बस कुछ नहीं, आपको बस इधर पिस्टन लगा देना है। तो ये इस साइड से होगा। अगर आपको इधर भी समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ मैं। तो आपको 3 ब्लॉक्स डिक करना है नीचे दोनों साइड से। उसके बाद जो लीवर के नीचे वाला जो है हमारा डर्ट का ब्लॉक, उसको हटा देना है। देन आपको लेना है एक रेड स्टोन टॉर्च, उसको लगा देना आपको इस साइड। एंड देन इसके ऊपर लगा देना रेड स्टोन डस्ट एंड इस इधर लगा देना पिस्टन। तो भाई अब मैं ये सबको कर देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। लग गया एंड देन ये पिस्टन। तो भाई हो चुका है हमारा पूरा लगभग पूरा काम।
मतलब पूरा तो नहीं है, पिस्टन वाला लगाने का जो काम था वो हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब करना तो है पर आपको इधर जो लीवर है अब इस ब्लॉक को कवर कर देना है पूरे को, ताकि मतलब अच्छा दिखेगा, गड्ढे में कोई गिर भी नहीं पाएगा। इसे करके कर देना है आपको पूरे में कवर। अब आपको है ना सेंड चाहिए, तो मैं सेंड लेकर आता हूँ पहले। भाई मेरे इसके अंदर, ओ भाई विच के स्पून हुई इसके अंदर, भाई मॉब स्पॉनर के अंदर ये विच कहाँ से आई बे। चलो कोई नहीं, मैं तो जल्दी जाकर सेंड लेकर आता हूँ। तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ सेंड, जो वो सिक्सी चाहिए आपको उस पिस्टन के ऊपर लगा देना है आपको। जितनी भी सेंड आप लाए हो, मतलब पिस्टन के ऊपर जितनी भी लगे उतनी आपको पूरी लगा देना है सेंड को। अब इस सेंड को लगा देने के बाद हम लेक्टन लगा देते हैं, चलो जो उनका वर्क स्टेशन होगा वो लगा देते हैं। पर भाई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए वैसे, चलो लगा के देखते हैं, अगर दिक्कत आएगी तो हटा देंगे। पर भाई विलेजर्स को लाने में दिक्कत होगी पक्का, हटा देते हैं भाई इसको। मैं एक्स ले लेता हूँ मेरी और इसको हटा देता हूँ, भाई दिक्कत आएगी बाद में विलेजर्स को डालने में। तो अभी तो हटा देते हैं इसको, ये भी हट गया एंड देन ये भी हट गया। तो चलो ये लेक्टन को हटा देते हैं। अब इसके बाद हमें ना इधर से इसको कवर कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो इधर ये सेंड है इसके यहाँ से ये ब्लॉक्स को हटा कर दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना है, या जो भी आपको मर्जी हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, मतलब कुछ भी प्लैंक्स वगैरह कुछ भी। तो मैं यहाँ पर डार्क ओक के ये प्लैंक्स लगाऊंगा, क्योंकि भाई अभी स्प्रूस के नहीं है मेरे पास, स्प्रूस के ज़्यादा अच्छे लगते हैं इससे। तो चलो कोई नहीं, अब ये थोड़ी सी हम स्किल्स दिखाएंगे। नाइस भाई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों करा मैंने ऐसा, पर भाई पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था तो कर लिया। मैं थोड़ा ड्रीम बनने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बन पाऊंगा, नो टेंशन। तो चलो भाई आपको ये इतना कर लेने के बाद आपको इधर से ये ब्लॉक डिग करने हैं सेंड के पास से, टू ब्लॉक्स डिग। अरे यार टू ब्लॉक्स क्यों हो गए, करना वैसे टू ही है पर अभी नहीं करते हैं। आजा भाई, चलो ठीक है, ये डर्ट को लगा देंगे हम वापस इधर एंड देन ये पूरी इसको है ना वहाँ तक हटा देना है, दूसरी सेंड जो हमारी दूसरी सेंड है ना, लास्ट वन सेंड वहाँ तक। भाई अभी इधर ये पानी की वर्षा हो गई है, चलो अब इसको पूरा को हम भर देते हैं, मतलब ये पानी ना आए इधर तक इस वजह से। अब इसको यह हो गया, अब ये हो जाने भाई सब दूसरे वाले ब्लॉक्स भी हो गए। अब इसको हमको है ना ये क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक और करना पड़ेगा। तो अभी तो हम इसको इधर भी प्लैंक्स लगा देते हैं एक आध, और अब हमको ये वाली साइड भी डिग करनी है। तो हमको क्या करना है, अब इसके नीचे वाली जो साइड है ये भी खोदना है एंड देन ये वाला भी खोदना है, समझ रहे हो। तो आपको पहले ये वाला ब्लॉक एक ये वाला, तो मैं इसको आपको कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। मैंने ये सब कुछ कर लिया है, बस अब हमको प्लैंक्स लगाने हैं। तो अब हम इसको इस जगह को पूरा प्लैंक्स से भर देंगे। तो वापस वैसे ही करना है, नीचे लगाना है पहले, फिर उसके बाद ऊपर की साइड लगा देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देख लो भाई कैसे क्या करना है। तो इधर इधर इस टाइप से आपको कर देना है, और थोड़ा दिक्कत होगी, चलो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन से अरे यार ये गलत लग जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से हटा लेते हैं एंड देन कर देते हैं स्टार्ट। भाई भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। चलो इसको लग जल्दी से लगा, भाई क्या चल रहा है यार। चलो कोई नहीं, इसको भी जल्दी फटाफट से हटा देते हैं हम, इस जो भी गंदगी फैलाई है इतनी, जल्दी से हट जा भाई। अब ये इसको ना इस साइड से भी, इस साइड को भी भरना है, तो अब मैं इस साइड को भी जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। प्लैंक्स तो लगा दिए हैं, पर अब आपको क्या करना है, जो सेंड है इसके ऊपर से ट्रैप डोर्स लगा देना आपको हर जगह, जितनी भी सेंड है उस पर। तो भाई मैंने उधर ट्रैप डोर्स तो लगा दिए हैं। अब आपको इसके बाद देना थ्री ब्लॉक्स, यानी तीन ब्लॉक ऊपर करके इधर इसको मतलब लगा देना है सेंड की साइड से, ताकि मतलब विलेजर एस्केप ना कर पाए। अभी मेरे प्लैंक्स की कमी हो गई, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से, प्लैंक्स बना लेता हूँ उसके बाद लगा देता हूँ। तो प्लैंक्स बन जाए हमारे, मैं 64 और 41 इतने काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो चलो अब ये लगा देते हैं हम इधर एंड इधर। भाई ये स्टोन ब्रिक क्यों लग गए, चलो कोई नहीं हटा देते हैं इसको, हम प्लैंक्स लगाना है मुझे डार्क ओक के। तो आपको ऐसा प्लैंक्स लगा देना है हर जगह थ्री ब्लॉक्स की हाइट पर एंड देन इधर भी थ्री ब्लॉक्स की हाइट पर कर देना है, और उसको पूरे को अटैच मिला देना है एक दूसरे से। लगा देता हूँ मैं जल्दी से। अब आपको क्या करना है कि जो ये सेंड के साइड वाले ब्लॉक्स हैं, ये वाले ब्लॉक इसके ऊपर ऐसा लगा देना है। वो सबको लगा देने के बाद आपको इधर से थ्रू टू ब्लॉक्स हाई जाना है एंड देन नीचे वाले पे एक ब्लॉक्स। अब आपको इसको पूरे को कवर कर देना है, ताकि इसके अंदर ज़ोंबी रहे और वो एस्केप ना कर पाए। इसके अंदर ज़ोंबी को डालना है हमको, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ।
तो गाइज वो हमारा बन चुका है, जो भी विलेजर ट्रेडिंग हॉल है, जो भी है वो, मतलब विलेजर ट्रेडिंग हॉल ही है वो बन चुका है। बस हमको विलेजर्स को लेकर जाना है वहाँ पर, तो मैं ये सबको कर देता हूँ। और जोम्बी को ट्रेड, मतलब जोम्बी को भी ट्रेप करना है तो वो मैं कर दूंगा, और थोड़ी बहुत साज सजावट करनी है ताकि वो अच्छा दिखे, तो वो भी मैं कर ही दूंगा, मत नो टेंशन उसके लिए। तो भाई मैं जल्दी से पहले विलेजर्स को लेकर जाता हूँ। तो भाई हमारा पहला विलेजर तो आ चुका है, अब इसके सामने जल्दी से मैं वो लगा देता हूँ लेक्टन, ताकि ये स्केप ना कर पाए। और आपको इसके ऊपर एक ट्रैप डोर भी लगाना है, मैं बता दूंगा आपको बाद में। तो अभी तो ये लेक्टन लगा देता हूँ मैं इधर एक जैसे। अब मैं उनको जो क्या करना है कि जो इसकी माइंड कार्ट है जो उसको हटा देते हैं और इसको ले लेते हैं इधर साइड से कोने से। तो भाई ये वाला विलेज तो आ चुका है, मैं दूसरे विलेजर को भी लाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। तो गाइस हमारा दूसरा विलेजर भी आ चुका है, और आपको इसके ऊपर ऐसे टेप डोर लगा देना है। तो भाई ये वर्क कैसे करेगा, हमको सिंपली लीवर फ्लिक करना है और जो नीचे जोम्बी रहेगा वो इसको बाइट करेगा और वो ये जोम्बी बन जाएगा, और हम इसको क्योर करेंगे एंड देन ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सस्ती थ्रेड्स देगा हमको। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।